बात आ जाता है आरक्षण। अब ध्यान से समझिएगा, आरक्षण शब्द आते ही हिंदुस्तान में दो परंपरा चलती है, जिन्हें आरक्षण मिल रहा है उन्हें लगता है आरक्षण सही है, और जिन्हें आरक्षण नहीं मिल रहा है उन्हें लगता है आरक्षण गलत है। ये दोनों एक दूसरे में किसी की बात नहीं सुनना चाहते, एक को कहता है खत्म करो, एक को कहता है नहीं करो। अरे भाई साहब तनी दिमाग लगाओ, अगर आरक्षण गलत रहता तो सुप्रीम कोर्ट खुद ही खत्म कर देता। अनुच्छेद 13 क्या कहता है कि अगर कोई चीज गलत है तो हम उसे खत्म कर देंगे। 3 तलाक खत्म हो गया कि नहीं? आरक्षण की बात देखिए, आरक्षण क्या है कि समाज में कई तबके के लोग रहते हैं, ये कई वेराइटी के लोग रहते हैं। अब जैसे देखिए आप, ये दो वेराइटी जो है थोड़ा सा नीचे रह गई, तो आरक्षण कहता है कि ये लोग जो आगे बढ़ गए हैं इन्हें आगे बढ़ने दीजिए, इन्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोका है, थोड़ा इन्हें पुशबैक करके उठा दीजिए कि समाज एक जैसा रहे। ये जो लोग पीछे से प्रताड़ित हो रहे हैं, आप सोचिए ना आरक्षण कितना खराब होता है कि मूला कर्म एक कानून था केरल में जिसमें दलित महिलाएं अपना स्तन नहीं ढक सकती थी, उन्हें नंगे रहना पड़ता था, स्तन नहीं स्तन उनका खुला रहना चाहिए था। और हद तब हो गई कि टैक्स लगाया जाता था इस आधार पर कि छोटा स्तन है तो कम टैक्स दो, बड़ा स्तन है तो ज्यादा टैक्स दो। ये हिंदुस्तान के जो पुराना था, कहा जाता है कि मोर भी बड़ा सुंदर होता है लेकिन अपना पैर देख लेता है ना तो उसे भी शर्म आने लगती है। तो हिंदुस्तान की संस्कृति बहुत अच्छी रही है लेकिन हमारे पास भी कुछ मोर के पैर की तरह है। ये जैसे सती प्रथा हो गया, ये सब छुआछूत हो गया, ये हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा हो गया। तो कहा जाता है कि आरक्षण एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, ये किसी आगे बढ़ रहे व्यक्ति को रोकता नहीं है कि तुम नहीं कर सकते हो, जो पीछे है उसको कहता है कि तुम आगे चले जाओ। अब क्या होता है कि यहां पर इसको निगेटिव व्यू में आपको प्रस्तुत किया जाता है। अगर ये गलत रहता तो फिर आपको क्या होता, वो सुप्रीम कोर्ट तो रोक ही देता। आपके हिसाब देखिए, बात बता देते हैं, दुनिया में अभी हिंदुस्तान की बात बताते हैं, अगले 50 साल तक आरक्षण खत्म होने वाला नहीं है, ये खुद गवर्नमेंट बोल चुकी है। मोदी जी भी बिहार में आए थे तो क्या बोले थे भाषण में, आरक्षण खत्म नहीं होने देंगे। मनमोहन सिंह भी थे, खुद मोदी जी ने आरक्षण बढ़ाया है संसद में, जो आरक्षण 2020 में खत्म हो रहा था उसे संशोधन करके 2030 ले गए हैं। तो इसलिए आप किसी पे दोष नहीं दे सकते क्योंकि हर आदमी को चुनाव जीतना है, तो अगर ये आरक्षण खत्म किया जाएगा ना तो चुनाव में भी हार सकते हैं। आरक्षण की जब बात आती है तो जो विरोध करते हैं, कभी कम से ये सोचिए कि आरक्षण क्यों है, क्योंकि जाति है। सबसे सिंपल है, जाति खत्म कर दीजिए, आरक्षण का बवाल खत्म हो जाएगा। नहीं कहते मैं किसके लिए सजू, मेरा पिया आनर है भाई, ना जाति नहीं रहेगा तो आरक्षण देंगे किसे, तो फिर बचेगा गरीब कौन है अमीर कौन है। तो यहां उन लोग नहीं कहेंगे नहीं जाति हो रहना चाहिए, आरक्षण नहीं रहना चाहिए। तो भाई आपसे ज्यादा समझदार सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज लोग हैं, वो इसे एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन समझते हैं, एक पिछड़े समाज को आगे बढ़ाने के लिए कहते हैं। क्योंकि जिस समाज को आरक्षण प्राप्त है ना, उस समाज को मंदिर में घुसने पर रोक, मतलब भेदभाव किया जाता है। आप एक एग्जाम्पल देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री जब थे जीतन राम मांझी, तो बिहार का मुख्यमंत्री सोचिए उस राज्य का सबसे बड़ा पावरफुल होता है, वो जब मंदिर में पूजा करने गए थे तो जाने के बाद मंदिर धूल दिया गया था। ये क्या चीज है? ये है निगेटिव डिस्क्रिमिनेशन, कि उसको आप निगेटिव कर रहे हैं। और आरक्षण देना क्या है? एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये संविधान कर रहा है। हम जो बता रहे हैं आपको संविधान के हिसाब से बता रहे हैं। हम फिर बताते हैं कि जिसे आरक्षण नहीं मिल रहा है ना, वो मेरी बात, सुप्रीम कोर्ट की बात, संविधान की बात सुनेगा ही नहीं, वो दिमाग में बैठाया है कि हमारा विरोध करना है। और जिसको ये मिल रहा है ना, वो दिमाग में बैठाया है कि नहीं हमें मिलना चाहिए। बहुत से ऐसे दलित मुख्यमंत्री भी हुए हैं जिन्हें आरक्षण मिल रहा है, और बहुत से मुख्यमंत्री भी हुए हैं दलित जिन्हें जाने के बाद मंदिर धूल दिया जाता है। तो जब तक जाति रहेगी तब तक जाति के आधार पर आरक्षण बना रहेगा। सबसे पॉजिटिव ये है कि आप जाति को खत्म कर दीजिए, आप खत्म कर दीजिए, कॉमन कर दीजिए, कि भाई वो भी है तो कोई कुछ भी लगा देगा। अब जैसे एक टाइटल होता है फिक्स, ये जाति के लोग लगाएंगे, तो फिर ये जब तक जाति रहेगी आरक्षण रहेगा। आरक्षण का मेन मकसद है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। अब आगे समझते हैं अनुच्छेद जो 16 है, ये क्या कहता है। अनुच्छेद 16 कहता है कि जो भी लोक नियोजन है यानी सरकारी नौकरी है, उसमें इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, समान सबको मिलेगा, लोक नियोजन की समानता, सरकारी नौकरी में सबको समानता मिलेगा। फिर यहीं पे बात आ जाती है आरक्षण की। तो आपको बताएं ना कि आरक्षण जो है वो संविधान कहता है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, ये हम बढ़ाने के लिए कहते हैं। अब यहां पर आप देखेंगे सबको संरक्षण मिलता है, ऐसा नहीं होगा कि रेलवे की वैकेंसी में कह देगा कि फॉरवर्ड क्लास के लोग फॉर्म नहीं भर सकते हैं, या ये नहीं। हाँ, उन्हें ये कह सकता है कि आपका नंबर 120 पे सिलेक्शन होगा तो नीचे वाले का 110 पे हो जाएगा, 105 पे हो जाएगा, ऐसा हो सकता है। तो आरक्षण कभी भी जाति के आधार पर, याद रखिएगा, आरक्षण कभी भी धर्म के आधार पर नहीं होगा। क्या आप सुने हैं कि मुस्लिम धर्म में आरक्षण है? हमें आरक्षण नहीं मिलता है, हम जनरल कैटेगरी से आते हैं, पठान जाति से आते हैं, हमें नहीं मिलता है।
क्या हिंदू धर्म को आरक्षण है? नहीं है। हिंदू धर्म में अगर ब्राह्मण है आरक्षण ही नहीं है, राजपूत है नहीं है, हिंदू धर्म में दलित है तब मिलेगा। तो आरक्षण की अगर बात करेंगे तो धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं है। आरक्षण जब भी होता है तो वो जाति के आधार पर होता है, समझ आ गया कि नहीं आ गया? और आरक्षण लिंग के आधार पर भी हो सकता है, लड़का लड़की आरक्षण। जैसे मान लीजिए कोई जनरल जाति की लड़की है, कोई जनरल जाति का लड़का है, तो लड़किया को ज्यादा आरक्षण मिलता है, तो आरक्षण यहां भी मिल सकता है। इसके अलावा आरक्षण जो मिलता है वो एक और चीज पे मिल सकता है, आपका स्थान पर मिल सकता है। स्थान मतलब किसी एक खास एरिया के आधार पर, जैसे आप छत्तीसगढ़ का कुछ एरिया एकदम पीछे, असम का कुछ एरिया एकदम पीछे है, तो आप देखे होंगे आर्मी भर्ती में आते होंगे तो कहेगा कि अगर आप पूर्वोत्तर के एरिया के हैं तो आपकी हाइट कम भी रहेगी तो ले लेंगे। तो कुछ ऐसे स्थान है जहां विकास हुआ ही नहीं, जैसे छत्तीसगढ़ का बस्तर का एरिया, दंतेवाड़ा, सुकमा, जगदलपुर, ये सब के एरिया में विकास नहीं है। उड़ीसा का कालाहांडी देखेंगे बारिश नहीं होता है वहां पर। तो स्थान के आधार पर भी आरक्षण मिल जाता है। ये क्यों दिया जाता है, अब आप समझ गए, ये क्या है? पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। वहां बारिश नहीं हो रही, खाने पीने को भी नहीं दे रहे, तो एक समाज बिगड़ जाएगा। इसलिए ये जो समाज बढ़ चुका है, इसे कह रहे हैं कि जो तुम बढ़ रहे हो उसी स्पीड से बढ़ते रहो, इसका हम बराबर कर देंगे। जिस दिन ये बराबर हो जाएगा आरक्षण रोक दिया जाएगा, समझ आ गया? तो ये 16 में कहता है कि सबको समानता है, लेकिन पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के आधार पर 3 लोगों को